नमस्कार। इंजीनियरिंग विषयों में रुचि बनाने और विषय समझ को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, ग्रिड सबस्टेशन और इलेक्ट्रिकल एस्टीमेशंस में आज जानते हैं 11 kV HT लाइन में अर्थिंग किस तरह से की जाती है, समझेंगे अर्थिंग के ऑब्जेक्टिव एडवांटेजेज क्या है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स अर्थिंग के बारे में क्या बात कहते हैं, और जो सबसे इकोनॉमिक और प्रचलित 25 mm के स्टील स्पाइक या 40 mm के होलो पाइप से किस तरह से हम अर्थ इलेक्ट्रोड बनाते हैं, और जानते हैं स्पाइरल कॉइल इलेक्ट्रोड किस तरह से अर्थिंग में इस्तेमाल होता है। इस वीडियो लेसन के नोट्स एक PPT के रूप में डिस्क्रिप्शन लिंक में अवेलेबल हैं। अगर आपको ये काम पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जब इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम में किसी प्रकार का इंसुलेशन फेलर होता है, कोई इलेक्ट्रिक फॉल्ट डेवलप होती है, तो अर्थिंग एक ऐसा लो रेजिस्टेंस पाथ अवेलेबल कराता है जिससे फॉल्ट का करंट ग्राउंड की तरफ फ्लो होता है। इस सारी प्रोसेस में अर्थिंग की वायरिंग और इलेक्ट्रोड कैपेबल होने चाहिए बार बार आने वाली फॉल्ट और हैवी सर्जेज जो करंट्स के आते हैं उन्हें विदस्टैंड करने के और उनकी एनर्जी को ग्राउंड तक डेसिपेट करने में। अर्थिंग की प्रैक्टिसेस हम जनरेटिंग स्टेशन, सारे ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के सब स्टेशन हैं, जो डिस्ट्रीब्यूशन में पोल माउंटेड स्ट्रक्चर है या हमारी ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन के लाइन्स हैं उनमें इस्तेमाल करते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो में हम बहुत कॉम्प्रेहेंसिव तरीके से जो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन की माइनर डिटेल्स हैं उन्हें कंपाइल करके पेश कर रहे हैं, जो निश्चित रूप से सारे प्रैक्टिसिंग इंजीनियर्स के लिए बहुत यूजफुल रहेंगी। शुरुआत करते हैं और अर्थिंग के ऑब्जेक्टिव को समझते हैं। जो अर्थिंग का प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जहां लगाए गए हैं या इरेक्ट किए गए हैं उनके अड़ोस पड़ोस में उस इलाकों के नीचे या इक्विपमेंट के सरफेसेस पे एक यूनिफॉर्म और लगभग ग्राउंड जैसा जीरो पोटेंशियल मेंटेन करना है, और इस प्रक्रिया में अर्थिंग ये इंश्योर करती है कि ऑपरेटिंग पर्सनल की सेफ्टी बनी रहे, किसी भी तरह की फॉल्ट कंडीशंस में जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें डैमेज को या तो रोका जा सके या कम से कम उन्हें कम रखा जा सके। अर्थिंग हमारी पावर सप्लाई सिस्टम की जो रिलायबिलिटी है उसे इम्प्रूव करता है। एक अच्छे अर्थिंग सिस्टम को जो नॉर्मल फॉल्ट करंट है उन्हें कैरी करना होता है, और फॉल्ट के समय जो हैवी करंट ग्राउंड की तरफ जाता है उसे जब वो फ्लो करता है तो उसमें किसी भी तरह की फायर, फ्लैशेज या एक्सप्लोजन्स नहीं होने चाहिए। एक इफेक्टिव अर्थिंग का ऑब्जेक्टिव है कि वो सारे लोग जो अर्थ स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन के नजदीक काम कर रहे हैं वो फॉल्ट करंट कंडीशंस में जो स्टेप और टच पोटेंशियल्स की हाई वैल्यूज से इलेक्ट्रिक शॉक के खतरे आते हैं उनसे प्रभावित ना हो, उनका असर ऑपरेटिंग पर्सनल पर ना पहुंचे। पावर सिस्टम में अर्थिंग के दो रूप हैं। एक में हमारी जो 4-wire 3-phase सप्लाई है उसमें न्यूट्रल को हम अर्थ करते हैं, और एक दूसरी अर्थिंग में इक्विपमेंट की जो आउटर मेटलिक बॉडी है, नॉन कंडक्टिव पार्ट्स हैं, उन्हें हम ग्राउंड से जोड़कर अर्थिंग करते हैं। जो 4-wire सिस्टम में न्यूट्रल की अर्थिंग है उससे हमारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेज जो अर्थ फोल्ड के दौरान ऑपरेट होते हैं उनके ऑपरेशन को प्रॉम्प्ट, रिलायबल, सिंपल और कंसिस्टेंट बनाया जाता है। जब हम 3-phase 4-wire सिस्टम में ये जो न्यूट्रल पॉइंट है उसे ग्राउंड कर देते हैं तो वो अर्थ फॉल्ट के समय जो फॉल्ट करंट्स हैं उनके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज कर देता है। इससे हमारे प्रोटेक्टिव सिस्टम का ऑपरेशन फास्ट, रिलायबल हो जाता है, और वो ब्रेकर की मदद से ट्रिपिंग करके लाइन को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर देती है, या लाइन में अगर ओवर करंट प्रोटेक्शन के रूप में फ्यूज का इस्तेमाल हो रहा है तो फ्यूज ओवर करंट से ब्लोइंग आउट हो जाते हैं। एक अच्छी अर्थिंग से हम जो फॉल्ट की ट्रांजिएंट कंडीशंस हैं और लाइटनिंग के जो सर्जेस से ओवर वोल्टेज आती हैं उनके मैग्नीट्यूड्स को कम कर सकते हैं। एक अच्छी अर्थिंग न्यूट्रल और अर्थ के बीच में फॉल्ट के समय वोल्टेज का जो डिफरेंस आता है उसे नेग्लिजिबल रख सकती है, और लाइन और न्यूट्रल के बीच की वोल्टेज को भी कंट्रोल्ड रख सकती है। अच्छी अर्थिंग से हमारी ऑपरेशन और मेंटेनेंस की प्रॉब्लम्स कम हो जाती हैं, लागत घट जाती हैं, सिस्टम की रिलायबिलिटी इंप्रूव हो जाती है। इक्विपमेंट अर्थिंग में हम इक्विपमेंट के जो नॉन करंट कैरिंग मेटेलिक आउटर पार्ट्स हैं उन्हें अर्थ के जनरल मास से इलेक्ट्रिकली कनेक्ट करते हैं। जैसे एक पोल माउंटेड सबस्टेशन पे हम 3 pipe की अर्थिंग से ट्रांसफार्मर के टैंक को, जो एयर ब्रेक गैंग स्विच है, हमारा गैंग ऑपरेटेड स्विच है, उसकी क्रोसार्म्स और ऑपरेटिंग हैंडल को, LT के बॉक्स को, सभी तरह के पोल स्ट्रक्चर, ब्रेसिंग और क्रॉस सपोर्ट्स को अर्थ के जनरल मास से कनेक्ट कर देते हैं। इस तरह की अर्थिंग से जो मेटेलिक एनक्लोजर और सपोर्ट सिस्टम
सिस्टम है उन पे जो डेंजरस वोल्टेज आ सकती हैं वो रुकती हैं और ऑपरेटिंग पर्सनल की सेफ्टी इंश्योर हो जाती है। और हम किसी भी तरह के लाइटनिंग से अगर कोई सर्ज आ रहा है तो लाइटनिंग अरेस्टर की भी अर्थिंग हो रही है, तो लाइटनिंग का सर्ज बिना इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन को डैमेज किए ग्राउंड में डिसिपेट हो जाता है। इंडियन पावर सिस्टम की प्रैक्टिसेस में जो सेंटर इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी के जो रेगुलेशन है उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनके अनुसार अर्थिंग को किया जाता है। जितने भी हमारे मेटेलिक सपोर्ट्स हैं, नॉन कंडक्टिव पार्ट्स हैं, उनको अर्थिंग की जाती है। जो प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट पोल्स हैं या रीइंफोर्स सीमेंट कंक्रीट पोल्स हैं या स्टील के ट्यूबुलर या रेल पोल्स को जब हम सीमेंट कंक्रीट फाउंडेशन में डालते हैं तो उनकी मेटेलिक क्रॉस आर्म्स, इंसुलेटर की पिंस, इनको हर पोल पे अर्थिंग की जाती है। जो हम स्पेशल स्ट्रक्चर लाइन में इस्तेमाल करते हैं वो सभी स्पेशल स्ट्रक्चर जिन पे हम एयर ब्रेक, गैंग ऑपरेटेड स्विच या पोल माउंटेड सबस्टेशन के ट्रांसफॉर्मर या ड्रॉप आउट फ्यूजेस वगैरह इंस्टॉल करते हैं उन्हें भी हमें अर्थिंग करनी होती है। जो रोड, रेलवे या रिवर की क्रॉसिंग हम करते हैं तो क्रॉसिंग के दोनों तरफ के पोल सपोर्ट की अर्थिंग करना जरूरी है। जब हम स्पेशल लोकेशंस या क्रॉसिंग्स की पोल सपोर्ट्स की अर्थिंग करते हैं तो पाइप या रोड की अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं, जबकि दूसरी साधारण स्थितियों पे हम स्पाइरल कॉइल अर्थिंग इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल इकोनॉमिक अर्थिंग के लिए कर सकते हैं। जब हम अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं तो इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट और इंस्टॉलेशंस में इंसुलेशन फेलर की कंडीशंस में भी जो उनके एक्सपोज्ड नॉन कंडक्टिव पार्ट्स हैं उनका पोटेंशियल सराउंडिंग ग्राउंड की कंपैरिजन में डेंजरस हाई वैल्यूज को अचीव नहीं करता, ग्राउंड और उन इक्विपमेंट के एक्सपोज्ड पार्ट्स का पोटेंशियल नियरली सेम जीरो के आसपास रहता है अगर इफेक्टिव अर्थिंग इस्तेमाल की गई है। जब हम अर्थिंग अच्छी तरह से कर देते हैं तो फॉल्ट की कंडीशंस और लाइटनिंग का जो हाई करंट है वो सेफली ग्राउंड को डेसिपेट हो जाता है। एक अच्छी अर्थिंग सफिशिएंट फॉल्ट करंट को अलाउ करती है जिससे हमारे प्रोटेक्शन सिस्टम को प्रॉम्प्ट और रिलायबल प्रॉपर ऑपरेशंस में मदद मिलती है। अर्थिंग की मदद से हम इलेक्ट्रिक सिस्टम में जो वोल्टेज लेवल्स हैं उन्हें कंट्रोल्ड अमाउंट में रखते हैं और हमारे अप्लायंसेज और इंस्टॉलेशंस में एक्सेसिव वोल्टेज राइज को रोका जाता है। एक अच्छी अर्थिंग के कारण न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में वोल्टेज डिफरेंस ज्यादा नहीं होता, फ्लोटिंग न्यूट्रल जैसी प्रॉब्लम्स नहीं आती और लाइन और न्यूट्रल के बीच में भी वोल्टेज फेज वोल्टेज के करीब रहती है, वो √3 times ज्यादा होके इंसुलेशन में जो डैमेजेस बनाती है उन डैमेजेस को अच्छी इफेक्टिव अर्थिंग से रोका जा सकता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जनरेशन कंज्यूमर से दूर जनरेटिंग प्लांट्स में होता है और वहां जनरेटिंग स्टेशंस के न्यूट्रल को ग्राउंड किया हुआ होता है। फॉल्ट की कंडीशंस में फॉल्ट करंट एक रिटर्न पाथ अर्थ के थ्रू प्राप्त करता है और ऐसी स्थिति में बहुत खतरनाक वोल्टेज ग्रेडियंट फॉल्ट की साइट की सराउंडिंग्स में अर्थ सरफेसेस पे डेवलप हो जाती है और ऐसी कंडीशंस में टच पोटेंशियल और स्टेप पोटेंशियल्स की वैल्यूज बहुत ज्यादा हो जाती है। एक अच्छी डिजाइन की अर्थिंग जो सेफ और इफेक्टिव ग्राउंडिंग सिस्टम बनाती है वो फॉल्ट के करंट के फ्लो के लिए सबसे छोटा और आसान रास्ता भी प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ फॉल्ट की सराउंडिंग कंडीशंस में स्टीप ग्राउंड पोटेंशियल ग्रेडियंट्स नहीं डेवलप करेंगी, इक्विपमेंट और ऑपरेटिंग पर्सनल को सेफ रखते हुए हमारी सप्लाई और इलेक्ट्रिक सर्विसेज की कंटिन्यूटी को इंश्योर करेगी। हम कह सकते हैं कि एक अच्छी इफेक्टिव अर्थिंग डिजाइन जो डेंजरस पोटेंशियल राइज होती है टच और स्टेप पोटेंशियल्स के रूप में उन्हें रोकती है और इंसुलेशन फेलर और फॉल्ट कंडीशंस के दौरान ऑपरेटिंग पर्सनल्स में किसी भी प्रकार की शॉक कंडीशंस को अवॉइड करती है। अज्यूम करें कि किसी इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशंस के करीब हमने ग्राउंडिंग की हुई है और फॉल्ट की कंडीशंस में इक्विपमेंट से ग्राउंड सर्किट में फॉल्ट करंट फ्लो होता है और फॉल्ट कंडीशंस के नजदीक अगर कोई ह्यूमन बीइंग इक्विपमेंट के स्ट्रक्चर को टच किए हुए है और उसकी पोजीशन और इक्विपमेंट के बीच में लगभग 1 meter का ये डिफरेंस है तो इक्विपमेंट का सरफेस तो आइडेंटिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस बन गया है, लेकिन इस 1 meter की दूरी पे ये जो
रेजिस्टेंस है उसमें ह्यूमन बॉडी और उसका ग्राउंड फॉल्ट सर्किट का रेजिस्टेंस पैरेलल में आ गया है, और बचे हुए अर्थ इलेक्ट्रोड का जो ग्राउंड के साथ रेजिस्टेंस है वो जो सर्किट बना रहा है उसमें ह्यूमन बॉडी के अक्रॉस एक टच वोल्टेज अगर डेंजरसली हाई हो जाएगी तो वो एक फेटल शॉक यहाँ डेवलप कर सकती है। अच्छी इफेक्टिव अर्थिंग में हम अर्थ इलेक्ट्रोड को इलेक्ट्रिक इंस्टॉलेशन से 1 मीटर दूरी पे कम से कम रखते हैं, तो R0 ये रेजिस्टेंस ग्राउंड का बहुत ज्यादा पोटेंशियल ड्रॉप करता है और टच वोल्टेज का मैग्नीट्यूड कम रहता है। फॉल्ट के समय इक्विपमेंट का जो फॉल्ट करंट ग्राउंड में फ्लो करता है तो वो एक शार्प पोटेंशियल ग्रेडियंट ग्राउंड में डेवलप कर देता है, और ह्यूमन बॉडी के जो दो फैले हुए स्टेप्स हैं जिनमें हम अधिकतम दूरी अगर 1 मीटर अज्यूम कर लें तो इस 1 मीटर दूरी पे जो स्टीप इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग ग्रेडियंट है वो एक पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप करती हैं, और उस पोटेंशियल को हम स्टेप पोटेंशियल कहते हैं। अगर ये स्टेप पोटेंशियल डेंजरस ज्यादा हो जाता है तो वो यहाँ फेटल शॉक की कंडीशंस पैदा कर सकता है। एक अच्छी अर्थिंग में एक ग्राउंड मैश बनाकर फॉल्ट करंट को मल्टीपल डायरेक्शंस पे भेजकर ग्राउंड में इस तरह की स्टीप ग्रेडियंट को रोक के स्टेप पोटेंशियल के वैल्यू को कम रखने की कोशिश की जाती है, और अक्सर हम ग्रिड सबस्टेशंस पे इस तरह की अर्थिंग का इस्तेमाल करते हैं। जानते हैं इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अलग अलग रूल अर्थिंग के बारे में क्या कहते हैं। रूल 61 अर्थिंग किए हुए सिस्टम में मैक्सिमम परमिसिबल रेजिस्टेंस वैल्यू क्या हो सकती है उसे डिसाइड करता है। वो एक जनरेटिंग पावर स्टेशन के लिए बहुत कम 0.5 ओम होना चाहिए, जो हमारी एक्स्ट्रा हाई टेंशन के ट्रांसमिशन सिस्टम के सबस्टेशन हैं उनके लिए 1 ओम होना चाहिए, जो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन के 33 केवी के सबस्टेशन हैं उनके लिए 2 ओम की वैल्यू हो सकती है, जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के पोल माउंटेड स्ट्रक्चर्स हैं उनके लिए ये 5 ओम तक की वैल्यू हो सकती है, और हमारी ट्रांसमिशन लाइन के जो टावर का फुट रेजिस्टेंस है वो मैक्सिमम 10 ओम तक हो सकता है। और इन अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू की जांच हमें हर 2 साल में कम से कम एक बार एक ऐसे ड्राई सीजन के ड्राई डे में करनी चाहिए जब वातावरण में मॉइस्चर कम है, और टेस्ट करके अर्थ रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऑब्टेन करके उसका रिकॉर्ड मेंटेन रखना चाहिए। रूल 67 11 केवी की हाई वोल्टेज या उससे ज्यादा एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज इंस्टॉलेशंस के लिए और दूसरे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के लिए कहता है कि उनकी बॉडी कम से कम 2 डिस्टिंक्ट और सेपरेट अलग अलग स्थानों से सेपरेट अर्थिंग सिस्टम से अर्थ की भी होनी चाहिए, ताकि अगर इन दोनों में अर्थ कॉन्टैक्ट में, अर्थ वायर में, अर्थ इलेक्ट्रोड में या इलेक्ट्रोड के साथ अर्थ सर्किट के इस कॉन्टैक्ट में कहीं भी कोई फॉल्ट आ जाए तब भी 2 इंडिपेंडेंट अर्थिंग में से एक अर्थिंग हमें सेफ्टी एंश्योर बनाए रखेगी। तो 2 अलग अलग पॉइंट से 2 अलग अलग सेपरेट अर्थ इलेक्ट्रोड के सर्किट के साथ हमें 2 डिस्टिंक्ट और सेपरेट अर्थ कनेक्शंस बनाने चाहिए। रूल नंबर 90 ओवरहेड लाइन की अर्थिंग के बारे में बात करता है। वो कहता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम जो मेटलिक फिटिंग्स और सपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, क्रॉस आर्म्स या इंसुलेशन के पिंस, वो सब परमानेंटली और इफेक्टिवली अर्थ होनी चाहिए। लाइन के सपोर्ट और गाई के लिए जो स्टे वायर इस्तेमाल किया होता है उसे भी अर्थिंग करनी चाहिए। अगर किसी स्टे वायर में पोल सपोर्ट और एंकर रोड के बीच में ग्राउंड से 3 मीटर की ऊंचाई पे स्टे वायर में अगर गाई इंसुलेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है तो हमें स्टे वायर की भी अर्थिंग करनी चाहिए। हम प्रत्येक पोल स्ट्रक्चर को इकोनॉमिक स्पाइरल कॉइल अर्थ इलेक्ट्रोड से अर्थिंग करते हैं, लेकिन ट्रांसमिशन लाइन में लाइटनिंग प्रोटेक्शंस के लिए और इफेक्टिव अर्थिंग के लिए हर 5वें पोल को स्पेशल 25 mm की माइल्ड स्टील स्पाइक से या 40 mm के होलो पाइप से अर्थ करके पूरे अर्थिंग सिस्टम को आपस में रिइंफोर्स करना चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का रूल 92 लाइटनिंग के अगेंस्ट में अर्थिंग से जो प्रोटेक्शन आएगा उसके बारे में बात करता है। वो सारी ओवरहेड लाइन जो खुले में हैं, जिन पे लाइटनिंग स्ट्राइक की इंजरीज हो सकती हैं, उन्हें एक एफिशिएंट तरीका अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हम इलेक्ट्रिकल सर्ज की जो एनर्जी है लाइटनिंग के दौरान जो लाइन पर गिरी है उसे अर्थ की तरफ डाइवर्ट कर सकें
जो लाइन के सबस्टेशन एंड्स होते हैं उन एंड टर्मिनल पे सबसे पहला आइटम हम लाइटनिंग अरेस्टर के रूप में लगाते हैं, और लाइटनिंग अरेस्टर का एक एंड तो लाइन से जुड़ा हुआ है और दूसरा एक डायरेक्ट कंटिन्यूअस लो रेजिस्टेंस की सॉलिड अर्थिंग से जुड़ा हुआ होता है। और लाइटनिंग अरेस्टर की ये जो अर्थिंग है उसे हम किसी भी दूसरे आयरन या मेटलिक स्ट्रक्चर से कॉमन नहीं करेंगे ताकि लाइटनिंग का सर्ज कहीं दूसरी समस्याएं ना पैदा कर पाए। अर्थिंग या ग्राउंडिंग में हम इक्विपमेंट में जो अर्थ पॉइंट होता है उसका कनेक्शन ग्राउंड मास से एक अर्थ इलेक्ट्रोड के थ्रू करते हैं। जो हमारे जनरेटिंग पावर प्लांट्स हैं और ग्रिड सबस्टेशंस हैं उनमें हम एक महंगी लेकिन बहुत एफिशिएंट कॉपर प्लेट्स और इस तरह की पैरेलल स्ट्रिप्स की ग्रिड की अर्थिंग करते हैं, और इस तरह के अर्थ इलेक्ट्रोड की मदद से हम इक्विपमेंट को जो कंडक्टिव मास है अर्थ का उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं ताकि इक्विपमेंट की बॉडी का पोटेंशियल और जनरल ग्राउंड मास का जो पोटेंशियल है वो कन्वेंशनली एक दूसरे के बराबर जीरो मेंटेन बना रहे। जो इस तरह के कॉपर कंडक्टर की ग्रिड ग्राउंड में हमने प्लेस कर दी है उसके कनेक्शन अर्थ इलेक्ट्रोड से हम ग्राउंड सरफेस पे प्राप्त करेंगे, और पूरे ग्रिड सबस्टेशन पे इस तरह के जाल से अलग अलग इक्विपमेंट्स पे ये जो अर्थ ग्रिड की मैश है वो एक इफेक्टिव अर्थिंग प्रोवाइड कर देगी, और किसी भी फॉल्ट के समय जो अर्थ करंट का फ्लो है वो अलग अलग रास्तों से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा और कहीं भी स्टेप और टच पोटेंशियल्स की हाई वैल्यूज जनरेट नहीं होगी। जहां ग्रिड सबस्टेशन पे हमें अर्थ रेजिस्टेंस को बहुत कम 1 ohm से भी कम रखना पड़ता है, वहीं हम लाइन पोल्स में अर्थ रेजिस्टेंस को 10 ohm वैल्यू तक परमिसिबल रख सकते हैं। तो हम एक इकोनॉमिक अर्थिंग गैल्वेनाइज्ड आयरन की पाइप या रोड के रूप में, अगर हम पाइप लेते हैं तो उसकी डायमीटर 40 mm ली जाती है, और अगर ये रोड है तो 25 mm की सॉलिड रोड का इस्तेमाल किया जा सकता है, या एक ज्यादा इकोनॉमिक गैल्वेनाइज्ड आयरन की स्पाइरल कॉइल इलेक्ट्रोड का हम अर्थिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। चाहे स्पाइरल अर्थ इलेक्ट्रोड हो या पाइप या रोड के रूप में हमारा अर्थ इलेक्ट्रोड हो, उसका एक क्लैंप या कंटिन्यूअस 8 SWG के GI वायर से कनेक्शन अलग अलग मेटेलिक बॉडी कंपोनेंट से कर दिया जाता है ताकि हमें एक इफेक्टिव मिनिमम रेजिस्टेंस का इलेक्ट्रिक कनेक्शन इक्विपमेंट की बॉडी और अर्थ के ग्राउंड मास के साथ प्राप्त हो जाए। 415 volt की हमारी LT लाइन और 66 kV से ऊपर की सेकेंडरी और प्राइमरी ट्रांसमिशन सिस्टम की सभी लाइनों में लाइन के साथ एक कंटिन्यूअस अर्थ वायर चलता है, लेकिन हमारे डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो 11 kV की HT लाइन्स हैं या 33 kV की मीडियम वोल्टेज लाइन्स हैं उनके साथ एक कंटिन्यूअस अर्थ वायर पोल से पोल के बीच में नहीं चलता है, और ऐसी स्थिति में हम प्रत्येक पोल की मेटेलिक फिटिंग्स को अलग इंडिविजुअली अर्थ करते हैं। कंस्ट्रक्शन के लिए हम प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट पोल्स का इन दिनों काफी इस्तेमाल कर रहे हैं। इन पोल की मैन्युफैक्चरिंग और फैब्रिकेशन के दौरान एक अलग से 8 SWG का गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर कास्टिंग के अंदर ही पोल में इम्बेड कर दिया जाता है, और इसकी 50 mm लेंथ ऊपर और नीचे, ऊपर पोल टॉप से 250 mm नीचे, और नीचे जो 1500 mm हमारा ग्राउंड में ग्राउट होगा पोल का हिस्सा उसमें 1350 mm हाइट पर या ग्राउंड लेवल से 150 mm की डेप्थ पर 50 mm का ये GI वायर बाहर निकला हुआ होता है। इस अर्थ वायर का ऊपर का हिस्सा हम क्रॉस आर्म्स और इंसुलेशन की पिन से जोड़ सकते हैं, और ये जो नीचे का हिस्सा है वो सीधे अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ा जा सकता है। अर्थिंग के लिए हम 11 kV के ST पोल्स पे कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड आयरन का 8 या 6 SWG का वायर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो हमारी 33 kV की मीडियम वोल्टेज लाइन के पोल्स हैं उन पे 3 strands 4 mm डायमीटर के 8 SWG के 3 strands का जो स्टैंडर्ड गैल्वेनाइज्ड स्टील वायर है उसका इस्तेमाल हम अर्थिंग कनेक्शन के लिए कर सकते हैं, और अर्थ वायर को सारी मेटलिक फिटिंग्स, क्रॉस आर्म्स, जो पोल का क्लैंप्स है, इंसुलेशन की जो पिन्स हैं उनके साथ फर्म तरीके से फासन जोड़ा जाता है, और अर्थवायर को सीधे पोल के साथ इस तरह से गहरे नहीं बनाने हैं अन्यथा अर्थ सर्किट का इम्पीडेंस बढ़ेगा। नीचे अर्थ इलेक्ट्रोड से जोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ग्राउंड से 1.5 meter हाइट तक हम एक 20 mm डायमीटर का रिजिड PVC पाइप अर्थवायर के प्रोटेक्शन के लिए पोल के साथ अटैच करेंगे। एक टावर सपोर्ट का फुटिंग अर्थ रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना कम होना चाहिए, और किसी भी हालत में इसकी वैल्यू 10 ohm से ज्यादा
ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर सॉइल की रेजिस्टिविटी मीडियम 100 से 400 ओम पर मीटर के आसपास है तो हम अर्थ इलेक्ट्रोड को जमीन में 1 मीटर गहराई तक दबा सकते हैं। अगर हमारी सॉइल की रेजिस्टिविटी कम है, कंडक्टिविटी अच्छी है, तो ये इलेक्ट्रोड के दबाने की गहराई सिर्फ 0.5 मीटर रखी जा सकती है। और अगर सॉइल ज़्यादा रेजिस्टिविटी रखती है, कम कंडक्टिव है, तो हमें अर्थ इलेक्ट्रोड को 1.5 मीटर या ज़्यादा गहराई पर दबाना चाहिए। जो अर्थिंग सर्किट के लिए जो हम लीड वायर इस्तेमाल करते हैं उसका क्रॉस सेक्शन किसी भी हालत में, अगर वो कॉपर के अर्थ वायर हैं तो 3 mm² से कम नहीं होने चाहिए, और अगर वो गैल्वेनाइज्ड आयरन या स्टील के हैं तो उसका साइज 6 mm² से कम नहीं होना चाहिए। अगर डबल पोल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल किया गया है तो अर्थिंग वायर का कनेक्शन पोल स्ट्रक्चर में ये जो क्रॉस ब्रेसिंग है इनके साथ भी होना चाहिए, और वो क्रॉस आर्म्स जिन पे हमने ट्रिपल पोल का मैन्युअली ऑपरेटेड गैंग स्विच लगाया है या लाइटनिंग अरेस्टर लगाए हैं उनकी क्रॉस आर्म्स से भी होना चाहिए, और जो हमारा हैंडल है जियो स्विच का उसके साथ भी अर्थिंग का अटैचमेंट होना चाहिए। अक्सर हमें अर्थ पिट की रिफिलिंग के लिए बढ़िया कंडक्टिव वाली बेंटोनाइट सॉइल का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि चारकोल और सॉल्ट का इस्तेमाल केवल वहीं करना चाहिए जहां सॉइल की रेजिस्टिविटी हाई है और हमें प्रॉपर अर्थ रेजिस्टेंस प्राप्त नहीं हो रहा है, अन्यथा चारकोल और साल्ट का जो इस्तेमाल है वो टेम्परेरी तो हमारा अर्थ रेजिस्टेंस कम कर देता है लेकिन ये कोरोजिव है तो इनके कारण हमारे अर्थ इलेक्ट्रोड की लाइफ कम होती है। अगर अर्थिंग प्रैक्टिस को हम समराइज करें तो जो सिंगल पोल के प्री स्ट्रेस सीमेंट कंक्रीट या रेल स्टील पोल्स हैं उन पे हम हर पे एक स्पाइरल कॉइल अर्थिंग इलेक्ट्रोड से अर्थिंग करते हैं, और 5 पोल के बाद हर किलोमीटर में बराबर दूरी पे 2 या 3 जगह हम पोल्स पे स्पेशल पाइप अर्थिंग करते हैं। अगर एंगल डेविएशन का एक सिंपल डबल पोल स्ट्रक्चर है तो वो चाहे RCC का हो चाहे रेल स्टील पोल हो, हम दोनों पोल के लिए अलग अलग स्पाइरल कॉइल अर्थिंग इलेक्ट्रोड की 2 अर्थिंग एक डबल पोल पे करेंगे। अगर पोल माउंटेड सब स्टेशन है तो उस पर 3 अर्थिंग की जाएगी और वो तीनों अर्थिंग पाइप अर्थिंग होगी। हम 40 mm डायमीटर का पाइप की अर्थिंग एक ट्राइंगुलर फॉर्मेशन पे पोल माउंटेड सब स्टेशन के चारों तरफ करेंगे। अगर कोई रोड कम्युनिकेशन या LT लाइन की क्रॉसिंग है या रेलवे लाइन भी ओवरहेड लाइन से क्रॉस की जा रही है तो हम दोनों साइड में क्रॉसिंग के जो हमारा डबल पोल स्ट्रक्चर है उस पर एक स्पेशल पाइप अर्थिंग दोनों तरफ करेंगे, और उस अर्थिंग से मेटलिक जो बियरर वायर है गार्डिंग के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उसको भी इफेक्टिवली अर्थ करेंगे। अगर किसी डबल पोल स्ट्रक्चर पे गैंग ऑपरेटेड मैनुअल आइसोलेटिंग स्विच लगा हुआ है तो हम उस पर 2 नंबर में तो स्पाइरल कॉइल अर्थिंग करेंगे और 1 नंबर में GI पाइप अर्थिंग करेंगे। इसी तरह से सारे स्टे वायर की भी अर्थिंग की जानी चाहिए। अगर उनपे स्टे वायर और पोल सपोर्ट के बीच में एग इंसुलेशन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, अगर एग इंसुलेशन का इस्तेमाल हो रहा है तो स्टे वायर पे किसी भी प्रकार की अर्थिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। 11 kV की ST लाइन की स्पेशल पोल अर्थिंग के लिए हम सॉलिड रोड या स्पाइक इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी डायमीटर 25 mm और लेंथ 2.5 मीटर के आसपास होगी, अन्यथा हम एक 40 mm का होलो माइल स्टील पाइप का इस्तेमाल कर सकते हैं जो भी 2.5 मीटर लंबा होगा, और दोनों चाहे रोड हो या पाइप हो उन्हें ग्राउंड लेवल से 300 मिलीमीटर की गहराई तक एक ट्रेंच बना के 2.5 मीटर डेप्थ तक इंसर्ट कर देंगे। अगर हमारी सैंड की कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है तो लगभग 2x2 क्रॉस सेक्शन एरिया की 2.5 मीटर लंबी पिट बनाकर सेंटर में हम पाइप को प्लेस कर देंगे और फिर अल्टरनेट 300 mm की चारकोल और सॉल्ट की लेयर लगा सकते हैं। अगर हमारी सॉइल की कंडक्टिविटी अच्छी है तो हम चारकोल और सॉल्ट को अवॉइड भी कर सकते हैं। अगर हम 11 kV की लाइन में अर्थिंग कर रहे हैं तो अर्थ इलेक्ट्रोड को 8 SWG के GI वायर से कनेक्ट कर देंगे, और अगर ये 33 kV की मीडियम वोल्टेज लाइन है तो 6 SWG का GI वायर का इस्तेमाल करेंगे। जो GI वायर हम पोल स्ट्रक्चर और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच में जोड़ रहे हैं वो कंटिन्यूअस होना चाहिए, उसमें टुकड़े नहीं होने चाहिए। अगर मजबूरीवश हमें टुकड़े बनाने
बनाने पड़ रहे हैं, तो जो जॉइंटिंग है वो प्रॉपर नट बोल्ट और वॉशर से बनानी चाहिए। अर्थ इलेक्ट्रोड के ऊपर एक क्लैंप लगा के हम अर्थ वायर को कनेक्ट कर देंगे और क्लैंप के लिए हम 40 mm चौड़ाई और 3 mm मोटाई की जो MS फ्लैट स्ट्रिप है उसकी 150 mm लेंथ को अगर 40 mm का हम होलो पाइप इस्तेमाल कर रहे हैं तो 21 mm रेडियस की सेमी सर्किल शेप बनाते हुए रखेंगे और इनके बीच में पाइप को रखकर दोनों तरफ नट बोल्ट वाशर और लॉक नट से इसे क्लैंप कर देंगे और इसी के साथ हमारा अर्थ वायर भी अर्थ इलेक्ट्रोड के साथ जुड़ जाएगा। अर्थ वायर और अर्थ इलेक्ट्रोड को पोल की जो सेंटर लाइन है उससे 1.2 मीटर की दूरी पर रखेंगे और ग्राउंड से इसकी डेप्थ पोल से लेके अर्थ इलेक्ट्रोड तक सिर्फ 1 फीट नीचे होगी ताकि अर्थिंग सिस्टम की मैकेनिकल सेफ्टी और सिक्योरिटी एश्योर हो और ग्राउंड पर टच और स्टेप पोटेंशियल्स की वैल्यू डेंजरसली हाई ना हो पाए। अगर सोइल कंडीशन सॉफ्ट हो तो हम आधा मीटर बाई आधा मीटर बाई आधा मीटर का एक क्यूबिक पिट बना के ग्राउंड से 1 फीट की गहराई के साथ अर्थ स्पाइक इलेक्ट्रोड को हेमरिंग करके जिसकी आगे पॉइंटेड शेप है ग्राउंड में 2.5 मीटर डेप्थ तक इंसर्ट कर देंगे और इस तरह का जो रोड अर्थ इलेक्ट्रोड है वो सभी वेदर कंडीशंस पे अर्थ सर्किट में लो रेजिस्टेंस को मेंटेन रखेगा। अगर हमारी सोइल की कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है तो हम टावर के चारों तरफ हम काउंटर पॉइज अर्थिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं और 4 म्यूचुअल परपेंडिकुलर अर्थ वायर को टावर से इतनी दूरी तक ले जाएंगे और 4 इसी तरह से अर्थ इलेक्ट्रोड हम ग्राउंड में इंसर्ट कर देंगे कि हमें डिजायर्ड लिमिट में अर्थ रेजिस्टेंस प्राप्त हो जाए। अर्थ रेजिस्टेंस को और कम करने के लिए इन काउंटर पॉइज इलेक्ट्रोड को भी हम आपस में स्ट्रिप में अंडरग्राउंड इंटरकनेक्ट करके ग्राउंडिंग रेजिस्टेंस को कम कर सकते हैं। 11 kV की HT लाइनों में टावर स्ट्रक्चर की अर्थिंग के लिए एक बहुत इकोनॉमिक और इफेक्टिव स्पाइरल अर्थ इलेक्ट्रोड से हम अर्थिंग करते हैं। एक गैल्वेनाइज्ड आयरन की स्पाइरल कॉइल कॉन्फिगरेशन को अर्थ इलेक्ट्रोड के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। GI वायर की 10 मीटर लेंथ को हम 50 मीटर मीटर की 115 टन की स्पाइरल कॉइल बना के लगभग 450 mm ये लेंथ बना लेंगे और इस स्पाइरल इलेक्ट्रोड को हम अर्थिंग के लिए इस्तेमाल करते समय ग्राउंड में डालकर इसका जो सेकंड अर्थ वायर है 8SWG का GI वायर उसे हमारे टावर पे अर्थ वायर से इंटरकनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन के दौरान हमें इस GI वायर और अर्थ सर्किट के GI वायर को प्रॉपर नट बोल्ट और वाशर से अच्छी इफेक्टिव बाइंडिंग बनानी चाहिए। स्पाइरल अर्थ इलेक्ट्रोड को टावर की सेंटर लाइन से 1.2 मीटर दूर ग्राउंड से 1 फीट की गहराई पे 1.5 मीटर गहरा पिट बना के इंसर्ट कर देंगे और अर्थ इलेक्ट्रोड के दोनों तरफ कंडक्टिविटी इंप्रूव करने के लिए हम 300 mm की अल्टरनेट चारकोल और सॉल्ट की लेयर्स बना सकते हैं और ये सॉल्ट और चारकोल अर्थ इलेक्ट्रोड के दोनों तरफ बराबर दूरी पे लगभग 350 mm बाई 350 mm के स्क्वायर क्रॉस सेक्शन में 1500 mm हाइट तक मेंटेन करने होंगे। अगर हमारी अर्थ की कंडक्टिविटी अच्छी है तो चारकोल और सॉल्ट के अल्टरनेट लेयर को अवॉइड करके एक अच्छी कंडक्टिविटी की सॉइल से इसे फिल किया जा सकता है। टावर के समीप टच और स्टेप पोटेंशियल्स बहुत डेंजरस हाई लेवल ना पाए इसके लिए जरूरी है कि हम अर्थ इलेक्ट्रोड को टावर की जो सेंटर लाइन है उससे कम से कम 1.2 मीटर की दूरी पर इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन के दौरान ग्राउंड सरफेस पे टावर के नजदीक स्टेप और टच पोटेंशियल्स बहुत ज्यादा ना बने इसके लिए ग्राउंड वायर को भी ग्राउंड लेवल से 1 फीट गहराई पे इंसर्ट करना जरूरी है। उम्मीद है इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से 11 kV HT लाइन पे सॉलिड रोड स्पाइक या होलो पाइप से अर्थ इलेक्ट्रोड लगाकर या स्पाइरल कॉइल इलेक्ट्रोड लगाकर अर्थिंग किस तरह से करते हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप हमारी दूसरी वीडियो से अपनी लर्निंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। फिर मिलते हैं एक नए अकेडमिक वीडियो लेसन के साथ।